वो इंसान प्यार करना जानता है। हम जब पुलिस को देखते हैं, पता नहीं क्या वजह है कि मुझे अपने मुल्क में कोई चीज बुरी नजर नहीं आती, मुझे अपने मुल्क में कोई चीज नेगेटिव नजर नहीं आती। कल शबे बारात गुजरी है, हमने इबादत की है, आज हम यहां मौजूद हैं। चिलचिलाती दोपहर हो, सर्दी हो, बारिश हो, फैसिलिटीज हो या ना हो, कभी 6,000 रुपए, कभी 10,000 रुपए, कभी 11, 12, 20,000 रुपए पे अपनी जान को हमेशा ऑन द लाइन रखते हैं। शहीद भी होते हैं लेकिन अखबार में कहानी नहीं छपती। लोग जानते नहीं कि वो पुलिस जैसे हम देख के गुजर जाते हैं। अगर कोई पुलिस वाला शहीद हो जाए तो फिर उसके घर में क्या होता। आज जियो दिल से में मेरे पास 8 कहानियां हैं। आई डोंट नो हाउ दिस शो इज गोइंग टू बी, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मैं ये शो जो आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसमें बहुत कुछ आप लोगों को मिल सके। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे मुल्क में चारों तरफ हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें जान नहीं सकते, वो आप तक पहुंच सके। मां की गोद बेहतरीन तरबियत गाह होती है। बहुत सारी माएं मुझे देख रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जब बड़ा कर रही हैं तो उसे ये जरूर बताएं कि उसे पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए और उन लोगों से मोहब्बत करे जो हमारे लिए जान देते हैं। ये जान जो चली जाती है, ये जान सिंधी नहीं होती, ये जान पश्तो नहीं होती, ये जान बलूची नहीं होती, ये जान पंजाबी नहीं होती। इस जान का सिर्फ एक नाम होता है, सिर्फ एक पहचान होती है और पहचान है पाकिस्तान। इसके अलावा इस जान की कोई और पहचान नहीं होती। इसका फर्ज सिर्फ एक होता है कि वो लोग जो यहां हैं वो महफूज रह सके। A lot of people are going to say कि उन्हें बहुत सारी शिकायत हैं पुलिस से, शायद हों, लेकिन आज शिकायत का दिन नहीं है। जहां बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां चंद गलत लोग भी आ सकते हैं। हर महकमे में होते हैं, हर इदारे में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो फिर एक पुलिस ही क्यों। आपको मैं कुछ ऐसी कहानियां आज सुनाऊंगा जिसके बाद हो सकता है आपकी राय हमारे इस इदारे के बारे में बदल जाए। आई कैन प्रोमिस यू दिस। आइए, अगर नफरतों से कुछ हो सकता है तो मैं नफरतों की पहल करता हूं, लेकिन अगर मोहब्बतों से सब कुछ होता है तो आप मोहब्बतों की पहल करें। आइए मिलके पाकिस्तान को तब्दील करें। क्रिटिसाइज करने के बजाय आइए सॉल्यूशंस तलाश करें। फिंगर पॉइंटिंग करने के बजाय अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करें और मुल्क में ये कंप्लेन करने के बजाय कि यहां कुछ नहीं होता, यहां जो कुछ है उसे मजीद आगे बढ़ाएं। आज का प्रोग्राम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। SMS कीजिए, कॉल कीजिए अपने फ्रेंड्स को, आस्क देम टू वॉच दिस। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी जहेज के ताने सुनने वाली औरत, तलाक दे दी, और कभी जन्नत से निकाली हुई औरत, कभी अम्मा और गुलनाज, कभी दिल के भटकने का पछतावा और कभी बहकावा। हजारों साल हो गए, अब तो जियो और जीने दो यार। कोई तो रोक लो मुझे, बस कर दो बस। अब लबों पर मुस्कुराहट और बड़ा सा कहकहा होवेगा और स्क्रीन पर फिर से किस दिन मेरा ब्याह होवेगा। उसे कहना कि अगर मैं उससे मिलकर जाता तो हाथ जोड़ के माफी जरूर मांगता। नाम जो ले लिया उसका, उसकी इजाजत है।
कोई सवाल करे ना करे, लेकिन मैं जेबू को माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता।